हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमपी जीएनटीएसटी एंड पीएनएसटी 2023 के बारे में। अब गाइस, इसका फुल फॉर्म है जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट एंड प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, इसका फुल फॉर्म है। अब गाइस, ये एग्जाम है आप लोगों का, ये कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है आप लोगों का मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन यानी कि एमपीबीपीई के थ्रू, जिसे यहाँ पे व्यापम के नाम से भी जाना जाता है। अब गाइस, यहाँ पे एग्जाम को जो है यहाँ पे कंडक्ट हेल्ड कराया जाता है विद द एम ऑफ टू प्रोवाइड एडमिशन एप्लीकेंट इन डिफरेंट नर्सिंग इंस्टीट्यूट विच इज सिचुएटेड विद इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो भी इंस्टीट्यूट है, डिफरेंट वेरियस गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट, उसमें अगर आपको नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन चाहिए, नर्सिंग इंस्टीट्यूशन में अगर आपको एडमिशन चाहिए, तो आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिल सकता है। तो चलिए, स्टेट लेवल का एग्जाम है मध्य प्रदेश के लेवल के लिए, सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में अगर नर्सिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए तो इसके लिए अप्लाई करना है। चलिए, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। लाइक अगर डेट्स की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों की जो एप्लीकेशन की डेट्स है, यहाँ पे जनवरी एंड में एप्लीकेशन यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। ऑल्दो अभी तक ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू डेट्स अनाउंस नहीं की गई है, जिसे डेट्स अनाउंस होगी हम उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे, उस पर्टिकुलर वीडियो में आपको हर एक इवेंट की डेट्स एक्सप्लेन करके बता दी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं अभी एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो गाइस, आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते जाए, कोई भी गलती करते, कोई भी मिस्टेक करते, कोई भी इनवैलिड डिटेल्स एंटर करते, तो गाइस आप लोगों का एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, मे बी एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट ना हो। क्या करना होगा कि एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो वो भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स रहते हैं फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, कोई आइडिया नहीं होता किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्या प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट किस तरह से स्कैन करके अपलोड करना है, जिस किसी भी तरह से कोशिश करते हैं उन्हें रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। तो गाइस, आप लोगों के साथ ऐसा कुछ ना, इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में आपको लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा। फ्रॉम स्टेप वन आपका नाम एंटर करने से लेकर टिल फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फी तक इवन आपको पे करके बताया जाएगा। तो मेक श्योर कीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो। फीस की बात करें तो जनरल कास्ट और ओबीसी के लिए 500 रुपीज है, रिजर्व कास्ट के लिए 250 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फी रहेगी। अब आते हैं इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो फॉर जीएनटीएसटी कोर्सेज आप लोग 12 पास आउट रहने चाहिए विथ बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट विथ मिनिमम 40%, रिजर्व कास्ट के लिए 35 मिनिमम यहाँ पे परसेंटेज क्वालिफाई परसेंट रखा गया है, 17 ईयर्स मिनिमम एज लिमिट है आप लोगों की, 27 मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है, और एससी एसटी कास्ट के लिए 32 मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। फॉर पी एन एस टी कोर्स यहाँ पे आप अगेन 12 पास आउट रहनी चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट विद मिनिमम 45%, रिजर्व कास्ट के लिए 40% मिनिमम एंड एज लिमिट यहाँ पे 17 ईयर्स मिनिमम एज लिमिट है, 30 ईयर्स मैक्सिमम, और एस सी एस टी का एस टी कास्ट के लिए 35 यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट रख दी गई है। अब बात की जाएगी यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की, तो जितने भी आपको क्वेरीज पूछेगी सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन, जो भी ऑप्शन चलेंगे वो एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। 150 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, जो हर एक से आंसर में आपको एक मार्क्स दिया जाएगा, गलत आंसर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और क्वेश्चन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बोटनी जूलॉजी और इंग्लिश जैसे क्वेश्चन, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट में से, यानी कि 150 क्वेश्चन टोटल आपके यहाँ पे हो जाती है। अब इसके बाद सिलेबस, अगर आपको जो सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट है, डिटेल सिलेबस हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप कंप्लीट सिलेबस डायरेक्टली जो है चेकआउट कर पाएंगे। सो गाइस, नाउ आई होप कि भी आप लोगों को जो एमपी जीएनटीएसटी एंड पीएनएसटी 2023 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस कोई डाउट है, कोई भी हेल्प आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।